नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम आज पढ़ने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन। बहुत सारे मटेरियल होते हैं जो कि हमारे जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, उसके रिप्रेजेंटेशन पूछे जाते हैं कि अगर आपको दे दिया जाएगा वुड, दे दिया जाएगा कि वुड का रिप्रेजेंट कैसे हम करेंगे, कॉपर का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे। इस तरह से बहुत सारे आपको प्रश्न मिल जाएंगे, आपके बुक में हो या आपके एग्जामिनेशन हो, वहाँ पर आपको इससे कुछ ना कुछ प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन रिप्रेजेंटेशन। अगर हम बात करें कास्ट आयरन, स्टील आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड इट्स एलॉय, यानी कि आप देख सकते हैं ये सभी क्या है, हैवी मेटल हैं। और हैवी मेटल ये, यानी कि इनके जो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होगा वो इस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि ये सभी अगर मेटल दिया रहेगा तो उसका आंसर क्या होगा, तो उसका आंसर ये होगा, यानी कि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कास्ट आयरन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, स्टील आयरन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कॉपर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या एल्युमिनियम, इस तरह के जो आपके मेटल होंगे उसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो आपका एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा, जो इस तरह से हम लाइन कर रहे हैं, हैचिंग कर रहे हैं, वो 45 डिग्री पे हम इस तरह से समानांतर रेखा खींच सकते हैं। ये हैंडली बनाया है तो कहीं कहीं दिक्कत हो गई होगी, कहीं पे स्पेस कम हो गया है, कहीं पे ज़्यादा हो गया है, तो ये आप समझ लेंगे कि सभी पैरेलल एक दूसरे के लाइन होंगे। बाकी मैंने हाथ से बनाया है तो थोड़ा दिक्कत तो हो सकती है, लेकिन ये सभी पैरेलल ही है। अब बात करते हैं लेड, जिंक, वाइट मेटल, यानी कि जो वाइट तरह के मेटल होते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको भी इसी तरीके से हैचिंग करते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं कि एक ऊपर से नीचे इसको क्रॉस कर देते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, उसके बाद इसको क्रॉस कर देते हैं, तो वो वाइट मेटल को दर्शाता है। वाइट मेटल जैसे लेड हो गया, जिंक हो गया, ये सभी को हम इस तरह से क्रॉसिंग से दर्शाते हैं। अब देखिए, याद करने का भी तरीका मैं बता देता हूँ क्योंकि चीज़ें आप भूल भी जाते हैं जल्दी से। तो ये कास्ट आयरन है या स्टील है, कॉपर, एल्युमिनियम है, ये सभी से लंबा वायर हम खींच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लंबा वायर खींचा जा रहा है, हमेशा लंबा वायर खींचा जा रहा है, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल, यानी पीतल है और कांसा है। अगर आप मार्केट में जाते हैं, कोई बर्तन के दुकान में जाते हैं, पीतल और कांसा के बर्तन लेते हैं, तो वहां पे देखे होंगे कि एकदम से डिजाइनिंग किया जाता है, इस तरह का डिजाइनिंग किया जाता है। पहले तो हम इस तरह से लाइनिंग खींचते हैं और उसके बीच में डॉट 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 लाइन खींचते हैं, तो ये पीतल और तांबा और गन मेटल का रिप्रेजेंटेशन इसके थ्रू करते हैं। इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ग्लास, यानी कि आप जो कांच देखते हैं, शीशे में जो कांच होती है वो कहीं कहीं स्क्रैच आ जाती है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से कि यहाँ पे स्क्रैच आ गई, यहाँ पे स्क्रैच आ गई, यहाँ पे स्क्रैच आ गई, तो यानी कि इस तरह से हम याद कर सकते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि स्क्रैच ये दर्शा रहा है, बस याद करने का तरीका है कि ग्लास को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। याद करने का तरीका कि ग्लास में कहीं कहीं पे स्क्रैच आ जाती है, तो कहीं कहीं पे यहाँ पे भी स्क्रैच है, इस तरह से हम याद करेंगे। पोर्सलिन एंड स्टोन बियर, जो पोर्सलिन होते हैं, स्टोन बियर होते हैं, उसको सिर्फ डॉट डॉट से दर्शाते हैं, यानी कि आप इसी को अगर डॉट डॉट कर देंगे, इसको डॉट डॉट कर देंगे, तो ये पोर्सलिन को दर्शाना चालू कर देगा। पोर्सलिन और स्टोन क्या होते हैं, हैवी होते हैं, आयरन भी हैवी होते हैं, तो आयरन और इसमें क्या अंतर है कि आयरन ज़्यादा हैवी होते हैं स्टोन की अपेक्षा, तो यानी कि इसमें जो डॉट डॉट है वो नहीं होगा और इसमें डॉट डॉट होगा, तो इससे रिलेट करके हम इसको याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं एस्बेस्टस, पेपर, माइका, रबर, वैक्स, लेदर, इंसुलेटिंग मटेरियल। इसका हिंदी की बात करें तो एस्बेस्टस, जो कि आप कभी छप्पर जो कहते हैं, जिसको जो इस तरह से होता है, छप्पर टाइप होता है, जो कि किससे बना रहता है, ये सीमेंट से बना रहता है, एस्बेस्टस को हिंदी में भी एस्बेस्टस ही कहा जाता है। पेपर तो समझ में आ गया, माइका भी समझ में आता है आपको, रबर, वैक्स, वैक्स मतलब मोम जिसको कहते हैं, लेदर चमड़ा, यानी कि और इंसुलेटिंग मटेरियल यानी कि कुछ अलग पदार्थ, इस सभी का रिप्रेजेंटेशन इसके थ्रू होता है। अब देखिए, याद करने का तरीका, आप अगर छत देखते होंगे तो छत क्या होता है कि एक प्रकार का आप कह सकते हैं कंक्रीट से बना होता है, लेकिन जो गरीब होते हैं उनका घर किससे बना होता है, उनका घर एस्बेस्टस से बना होता है, यानी कि उनका जो छप्पर होता है जिसको छत कहते हैं वो एस्बेस्टस से बना होता है। तो छत के लिए ये इस तरह से पैरेलल होता है छत, यानी कि इस तरह से पैदल होता है, लेकिन अगर एस्बेस्टस डाल देंगे तो इस तरह से क्यारी बन जाती है इसमें, तो उसी से हम याद करेंगे कि ये जो पैरेलल लाइन है, इस तरह से पहले लाइन होगी और उसके बाद इसको हैचिंग किया जाएगा 45 डिग्री के एंगल पे। तो ये है एस्बेस्टस, पेपर, माइका, ये सभी उससे रिप्रेजेंट होता है। तो एस्बेस्टस आप याद रखेंगे तो याद हो जाएगा कि ये जो गरीब होते हैं उनके घर के लिए होता है,
तो इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे छत पे क्या रख देते हैं, छत पे प्लास्टिक रख देते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल ही है, तो वो सभी लेदर रख देते हैं, तो वो सभी इससे रिप्रेजेंट होंगे। आगे देखते हैं वुड एंड प्लाईवुड, यानी कि कहने का मतलब सिर्फ लकड़ी, तो लकड़ी का अगर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इससे करेंगे। आपको पता है कि लकड़ी में क्या होता है, रिंग बनता है, जो छल्ले होते हैं रिंग होते हैं वो किस में होते हैं, पौधे में होते हैं, जो कि एक आयु दर्शाता है पौधे का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिंग बना हुआ है, तो ये एनुअल रिंग कहलाता है। तो ये जो वुड होते हैं वो इसका वुड का रिप्रेजेंटेशन इसके थ्रू होता है, यानी कि ये पूरा वुड है। अर्थ की बात करें तो अर्थ का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं इसमें, आप इसको इस तरह से याद करें कि जड़ है, ठीक है, ये सभी जड़ जैसा है, तो अर्थ का रिप्रेजेंटेशन इसके थ्रू होता है। ब्रिक वर्क मेसनरी, फायर ब्रिक, यानी कि ईटा का काम किसके थ्रू रिप्रेजेंट होता है, इसके थ्रू। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हैचिंग है वो सिर्फ, ये गैप बहुत ज्यादा है, गैप बहुत ज्यादा है, पहले लाइन है वो पास पास में है, तो इससे हम ब्रिक को डिनोट करते हैं। याद करने का तरीका देखिए, यहाँ पे अगर ब्रिक होगा, यहाँ पे यानी कि अगर ईटा होगा, तो यहाँ पे पहले मसाला भरते हैं, उसके बाद फिर से ईटा लगाते हैं, तो इससे हम याद करेंगे कि ये ब्रिक वाला भाग दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे हम ब्रिक लगाएंगे, उसके बाद यहाँ मसाला रखेंगे, उसके बाद फिर से ब्रिक लगाएंगे, फिर मसाला रखेंगे, तो इससे हम इसको याद कर सकते हैं। देखिए हम याद करने का तरीका भी बता रहे हैं, ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी, मैं गारंटी लेता हूँ। तो अगर आपको तरीका अच्छा नहीं लग रहा है तो आप डायरेक्ट इसको याद करें। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि मेरे तरीकों को फॉलो करते होंगे याद करने के लिए, तो उन लोगों को भी फायदा हो जानी चाहिए, ठीक है। कंक्रीट, कंक्रीट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंक्रीट मतलब क्या, कि जिसमें गिट्टी बालू सीमेंट छड़ सभी मिला हो उसको कहते हैं कंक्रीट। तो कंक्रीट आप देख सकते हैं यहाँ पे, सपोज ये गिट्टी है, तो यहाँ पे ये सभी बालू दिखा रहे हैं छोटे छोटे, और ये गिट्टी है, तो इससे हम कंक्रीट को रिप्रेजेंट करते हैं। कंक्रीट मैंने बताया, जिसमें गिट्टी बालू सभी चीज मिला हो उसको कंक्रीट कहते हैं। वाटर, ऑयल, विट्रोल, केरोसिन, यानी कि लिक्विड वाला पदार्थ है, तो लिक्विड वाला पदार्थ को अगर हम किसी बोतल में रखते हैं तो एक लेयर ले लेता है, इसी तरीके से हम वाटर को दिखाते हैं, पानी को दिखाते हैं, तरल पदार्थ को दिखाते हैं, इसी तरीके से। तो ये क्या दर्शा रहा है, वाटर, ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन, इस तरह के लिक्विड पदार्थ को ये दर्शा रहा है। अब हम कन्वेंशनल ब्रेक की बात करेंगे, यानी कि जो टूट जाती है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपका कोई लकड़ी टूट गया तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से बहुत सारा मटेरियल है, जैसे कि अगर कोई रेल का जो पटरी है वो कट गया या वो टूट गया तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये सभी भी सैंपल पूछे जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन पूछे जाते हैं। तो इसको देख लेते हैं, अगर कोई रिटेंगुलर सेक्शन है, जैसे ये तो क्या है, राउंड सेक्शन है, अगर ये रिटेंगुलर सेक्शन होता तो कैसे दिखता, अगर इस तरह से देखते तो इस तरह से दिखता, लेकिन अगर ऐसे दिखते तो ये रिटेंगल ऐसे दिखता, ठीक है। तो ये है इसका टूटा हुआ भाग, इस तरह से दिखेगा अगर हमको इस एक्सिस से देखनी है तो। और राउंड सेक्शन की बात करें तो राउंड सेक्शन आप देख सकते हैं, ये तो पूरा राउंड है, और सपोज ये पूरा भरा हुआ है, ये अंदर सॉलिड मटेरियल है, तो हमारा जो दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा, इस तरह से राउंड दिखेगा, और यहाँ से तोड़ेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, सपोज इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, तो ये हमारा राउंड सेक्शन है। पाइप और ट्यूबिंग, पाइप और ट्यूबिंग में क्या होता है कि अंदर होल होता है, जिसमें जैसे कि इसमें होल है, तो इसमें होल है तो इसका कुछ मोटाई होगा, इसका कुछ मोटाई होगा, तो ये क्या दिखा रहा है, मोटाई दिखा रहा है और अंदर होल वाला पार्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से दिखेगा, देखिए अंदर एक हम डॉट डॉट यहाँ पे लाइन खींचे हैं, जो कि अंदर का दिखा रहा है कि अंदर वाला, अगर हम बाहर से देखेंगे तो हमको एक ही लेयर दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर भी तो एक लेयर है, तो उसको हम डॉट डॉट से दिखाते हैं ड्राइंग में। तो ये है पाइप एंड ट्यूबिंग। वुड रिटेंगुलर सेक्शन, यानी कि जो वुड का रिटेंगुलर सेक्शन है, ये तो कोई अगर मटेरियल होगा, आयरन का मटेरियल होगा, लेकिन अगर वुड की बात करें तो वुड टूटता है तो आप देखते होंगे कहीं इस तरह से निकला हुआ भाग रहता है, कभी इधर से निकल धंसा हुआ भाग रहता है, तो इस तरह से ये टूटता है, तो इसको, और वुड को मैंने बताया था कि ये छल्ले में दिखेगा, तो ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, वुड का टूटा हुआ भाग, यानी कि रेक्टेंगुलर सेक्शन वुड का है। रॉड सेक्शन, रॉड सेक्शन को आई बीम की तरह देख सकते हैं, यहां पे कर्व होगा, यहां पे इस तरह से नहीं होगा, यहां पे कर्व होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह से आई बीम होता है, ये राउंड फ्लैश्ड बीम कहलाता है, ठीक है, इसको फ्लैश्ड कहते हैं। ये तो डीप इंजीनियरिंग की बात होगी, आपको उतना ध्यान नहीं रखनी है, आपको ये ध्यान रखनी है कि राउंड सेक्शन इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। चैनल, चैनल आप देखेंगे कि ये चैनल है, सी फोर चैनल, सी फोर चैनल होता है, तो ये सी टाइप का दिख रहा है, ठीक है, एक ऐसा दिखेगा, ये ऐसे रहेगा और एक इधर से लिया रहेगा और एक इधर से लिया रहेगा, तो ये सी टाइप का होगा, अगर ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, यानी कि इधर भी निकला हुआ है, इधर भी निकला हुआ है, सी टाइप का। तो और
तो ये वाला जो टूटा हुआ भाग है, ये टूटा हुआ भाग दिखा रहा है, और इसको इस तरह से देखेंगे, सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, तो ये चैनल सेक्शन होगा। ये इतना कुछ है नहीं, इसको आप देखेंगे आपके नाम से ही इसको पहचान पाएंगे कि किस तरह का इसमें टूटा हुआ भाग पूछ रहा है। बियरिंग की बात करें तो एक्चुअल सेक्शन ऐसा दिखता है, और कन्वेंशनल की बात करें तो यही सैंपल आपके एग्जाम में दिया जाएगा कि बियरिंग का जो कन्वेंशनल सेक्शन है कैसा दिखता है, तो इस तरह से बियरिंग का सैंपल है। स्टेटेड नर्लिंग, नर्लिंग मतलब क्या, उसमें में छिद्र टाइप का करना, ठीक है। अगर ये पूरा क्या है, ये एकदम से स्मूथ है, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा रफ स्केच बना दे, इसके अंदर रफ बना दे, तो वो क्या कहलाएगा, नर्लिंग कहलाएगा। तो अगर ये सीधा सीधा उसके अंदर गड्ढा खींचा गया है तो ये है स्टेटेड नर्लिंग, यानी कि नाम से ही बता रहा है कि स्टेटेड होगा। तो इसका कन्वेंशनल सिंबल की बात करें तो ऐसे ही थोड़ा सा यहाँ पे हम कर देंगे, स्टेट कर देंगे अगर इसको करनी है तो। डायमंड नर्लिंग, तो इसको अगर हम डायमंड बना दें, इस तरह से डायमंड बनती है, तो इस तरह से अगर डायमंड बना दें, अगर आपने ताश के पत्ते देखे होंगे तो डायमंड इसी तरह से बने रहते हैं, तो ये डायमंड है, तो इसमें डायमंड बने हुए हैं, तो ये डायमंड नर्लिंग है। इसको अगर कन्वेंशनल सेक्शन की बात करें, कन्वेंशनल सैंपल की बात करें, तो इस तरह से दिखाया जाएगा नीचे डायमंड थोड़ा बना के। अगर एक्सटर्नल थ्रेड की बात करें, जो आपका जो वोल्ट होता है, ये वोल्ट है एक्सटर्नल है, इसके बाहर है ये जो थ्रेड बना हुआ है, ये बाहर है, और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर थ्रेड इंटरनल रहेगा, यानी कि किसी चीज के अंदर थ्रेड है, इसके अंदर हमको स्क्रू डालनी है, तो ये अंदर है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनल थ्रेड को। स्लॉटेड हेड, जो कि आपके स्क्रू वगैरह में यूज होते हैं, तो स्लॉटेड हेड आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्लॉट बनाया गया है, इसलिए तो यहाँ पे लिखा गया स्लॉटेड। स्लॉट मतलब एक तरह से छेदा होता है, ठीक है, स्लॉट मतलब एक तरह से छिद्र होता है, तो ये स्लॉट बनाया गया है, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसको हम इस तरह से देखें तो यहाँ पे अगर स्लॉट बना दें तो ऐसा दिखेगा, तो ये है स्लॉटेड हेड। तो आशा करते हैं ये जो कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन है वो आपको समझ में आई होगी, जो भी छूट गए हैं उसको अपन MCQ के थ्रू कवर कर लेंगे। आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अगले सेशन में एक और नए टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं। ड्राइंग के ही एक बात और, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, दिल से पूछिएगा कि क्या मैं मेहनत करता हूँ या नहीं, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। तो आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि कृपया वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मुझे लगेगा, देखिए मैं इतना मेहनत करता हूँ तो मेरे व्यूज कितने आते हैं, 100 125 यही व्यूज आते हैं, और कोई बंदा ऐसे ही बकवास करके चला जाता है, जैसे बहुत सारे चैनल पड़े होंगे, आपको मैंने बताया था हाई फाई नाम का कोई चैनल है, मैं हाई फाई कर रहा हूँ, हाई फाई आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली उस चैनल का तो नाम नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाई फाई कहने के बाद आप समझ गए होंगे, वो चैनल पे इतना भद्दा पढ़ाया जा रहा है, ये डिजाइन की मैं बात कर रहा हूँ, इतना भद्दा पढ़ाया जा रहा है, फिर भी उनके जो व्यूज हैं 3 लाख 4 लाख व्यूज हैं। हम इतना अच्छा से पढ़ाते हैं, इतना एकदम से अपना पूरा दिल निकाल के आपको दे देते हैं, फिर भी मेरे व्यूज कितने हैं, 125 100 यही व्यूज आते हैं, उतना भी नहीं पहुँच पाते हैं। तो मुझे आपसे एक ही रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ आप वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे मुझे उतना ही खुशी होगी, मैं दुगना उत्साह के साथ और भी आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो आशा करते हैं अपने आप इस भाई का रिक्वेस्ट जरूर सुने होंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।